हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में हमने 1 to 24 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम 25 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। PDF के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ मिल इंडस्ट्रीज। मिल इंडस्ट्रीज का कौन सा एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है? राइस वेविल, रेड फ्लोर बीटल, राइस मोथ या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या हो जाएगा? रेड फ्लोर बीटल। रेड फ्लोर बीटल है एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है मिल इंडस्ट्रीज का। जनरली जो सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट होते हैं वही हमारे फ्लोर बीटल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रेड फ्लोर बीटल। देन क्वेश्चन नंबर 26, द हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ रेड फ्लोर बीटल कॉजेज। अगर किसी सीड में बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया है रेड फ्लोर बीटल का, तो क्या कॉज करेगा? स्टिंकिंग ऑर्डर, मीन्स एक बैड ऑर्डर, ठीक है, ड्राई हीटिंग, ग्रेन डैमेज करेगा, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हैवी इन्फेस्टेशन हो गया तो क्या करेगा? स्टिंकिंग ऑर्डर, मीन्स बैड ऑर्डर आएगा, बैड स्मेल आएगा, जहाँ पर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 27, द रेड फ्लोर बीटल फीड्स ऑन, जो रेड फ्लोर बीटल होता है वो कहाँ पर फीड करता है? किस पोर्शन में? सरफेस ऑफ द ग्रेन, मीन्स ग्रेन के ऊपर, या जर्मिनेशन पोर्शन, जर्म पोर्शन पर उसे करता है, या होल ग्रेन को खाता है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो रेड फ्लोर बीटल होता है वो हमारा जो ब्रोकन ग्रेन्स होता है उससे जो हमारा डस्ट निकलता है, या फ्लोर आप कह लीजिए निकलता है, उसी को वो उसी पर फीड करता है, उसी को खाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मतलब नन ऑफ द, इनमें से जो भी ऑप्शन है इनमें से किसी पर वो फीड नहीं करता, वो फ्लोर बीटल है। तो जो भी ब्रोकन ग्रेन आते हैं, मीन्स टूट गए होते हैं दाने, उसमें जो फ्लोर या आटा टाइप निकलता है या डस्ट निकलती, उसी पर वो फीड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 28, द लॉन्ग हेड फ्लोर बीटल प्रेफर्स, जो लॉन्ग हेड फ्लोर बीटल होता है ये एक सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट है। ठीक है, कौन सी कंडीशन को प्रेफर करता है? ग्रेन विथ मीडियम मॉइस्चर कंडीशन, मीन्स ऐसा दाना जहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो मीडियम होता है, ग्रेन विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, या ग्रेन विद वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेन विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, मीन्स ग्रेन जहाँ पर हाई मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर प्रेफर करेगा फीडिंग के लिए कौन? रेड लॉन्ग हेड फ्लोर बीटल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टोर ग्रेन पेस्ट ऑफ राइस, इनमें से कौन है जो कि राइस का मोस्ट कॉमन पेस्ट है? राइस वेविल, राइस मोथ, एंग्यूनमस ग्रेन मोथ, या फ्लोर बीटल। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइस मोथ। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी, राइस मोथ इज अ मोस्ट कॉमन स्टोर ग्रेन पेस्ट ऑफ राइस। देन क्वेश्चन नंबर 30, वेबिंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ, वेबिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेबिंग जो है वो किसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है? एंग्यूमस मोथ, ग्रेन मोथ, या लेसर ग्रेन बोरर, या राइस मोथ, या खपरा बीटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइस मोथ। ठीक है, जो वेबिंग है वो मेजर किसका सिम्टम्स है? राइस मोथ का। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, कोकोन्स प्रेजेंट ऑन द ग्रेन बैग्स इज द इंडिकेशन ऑफ अटैक ऑफ। अगर किसी ग्रेन बैग पर, ठीक है, जिसमें ग्रेन भरा हुआ है, उसके बैग पर अगर कोकोन्स हैं तो वो कौन से डिसीज का, मतलब कौन से पेस्ट का इंडिकेशन दिखा रहा है? राइस मोथ, इंडियन मील मोथ, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो अगर किसी क्रॉप ग्रेन पर, ग्रेन के बैग पर कोकोन्स हैं तो वो दिखा रहा है कि वहाँ पर अटैक हुआ है किसका? राइस मोथ का। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 32, अनदर नेम ऑफ फिग मोथ इज, ठीक है, जो फिग मोथ होता है उसका दूसरा नाम क्या है? आलमंड मोथ, वेयर हाउस मोथ, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो ए एंड बी दोनों हैं ये हमारे किसके हैं? अनदर नेम ऑफ फिग मोथ। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच इज ट्रू अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डैमेज ऑफ वेयर हाउस मोथ, इनमें से कौन है जो कि ट्रू है, सिम्टम्स कौन सा है वेयर हाउस मोथ के डैमेज का? लार्वा फीड्स ऑन जंप पोर्शन एंड डैमेज कर्नल, लार्वा जो है जंप पोर्शन पर फीड करता है और जो कर्नल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। लार्वा फीड्स ऑन जंप पोर्शन बट
लीव्स कर्नल, ठीक है, जर्म पोर्शन को खा लेता है लेकिन जो कर्नल है उसको छोड़ देता है, या नो वेब फॉर्मेशन, कोई वेबिंग नहीं होती है, कोई वेब फॉर्म नहीं करता, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सिम्टम्स क्या हो जाएगा, लार्वा फीड्स ऑन जर्म पोर्शन बट लीव्स कर्नल, ठीक है, जो लार्वा है जर्म पोर्शन पर हमारा फीड करता है और जो कर्नल्स होते हैं उनको लीव उनको छोड़ देता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन मील मोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो इंडियन मील मोथ है वो उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, यूरोप या इंडोनेशिया, ठीक है। तो जो इंडियन मील मोथ है उसका ओरिजिन क्या है, यूरोप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यूरोप। देन क्वेश्चन नंबर 35, फुल फॉर्म ऑफ VPS, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VPS का फुल फॉर्म क्या होगा, जब वहाँ से आपका स्टोरेज के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि फुल फॉर्म क्या होगा VPS का, ठीक है। वैक्यूम पैकेज स्टोरेज, वैक्यूम पैक हाउस स्टोरेज, वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज या वैक्यूम पेस्ट स्टोरेज। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, VPS इज अ फुल फॉर्म ऑफ वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज, ठीक है। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ VPS, जो VPS मीन्स वैक्यूम प्रोसेस स्टोरेज है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फूड ग्रेन विल नेवर कैच फंगस, या लो डैमेजेस बाय पेस्ट, इट इज़ अ चीप मेथड, तो चीप मेथड तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ वैक्यूम का क्रिएशन हो रहा है, वैक्यूम लगाया जा रहा है, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा तो चीप तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, जब ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा कट गया पहले से, तो ऑल ऑफ द अबव तो दो ऑप्शन कट गया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, द फूड ग्रेन्स नेवर कैच फंगस, अगर आप VPS में मेथड से अगर स्टोर करेंगे ग्रेन को तो जो ग्रेन है कभी भी फंगस को कैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 37, VPS कैन प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट इन्फेस्टेशन फॉर, जो अगर VPS मेथड से अगर हम लोग स्टोर करते हैं ग्रेन को तो हमारा जो फूड ग्रेन है इंसेक्ट को मतलब कब तक प्रोटेक्ट करेगा इंसेक्ट से, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 3 to 4 ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 3 से 4 साल तक हमारा जो ग्रेन है वो ईजिली हमारा प्रोटेक्ट रहेगा इंसेक्ट से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क स्टोरेज इंस्टॉलेशन, इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल है बल्क स्टोरेज इंस्टॉलेशन के लिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स कौन से प्लेसेस पर जो हमारा स्टोरेज ग्रेन का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी बहुत ज़्यादा बल्क में किया जाता है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो FCI है या सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, यहाँ पर एक बल्क स्टोरेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया में ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 39, पूसा बीन इज अ टाइप ऑफ, जो पूसा बीन है, ठीक है, ये क्या है, आउटडोर स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इंडोर स्टोरेज स्ट्रक्चर है, या दोनों हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पूसा बीन है वो हमारी क्या है, आउटडोर स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है, पूसा बीन इज अ टाइप ऑफ आउटडोर स्टोरेज स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पूसा बीन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन है जो कि पूसा बीन स्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है, ब्रिस्क, पॉलीथीन शीट, वुडन फ्रेम या पैडी स्ट्रॉ, ठीक है। तो इनमें से पूछा कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, तो पैडी स्ट्रॉ, ठीक है, वेयर एज ऑप्शन ए बी एंड सी आर द कंपोनेंट ऑफ पूसा बीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, पैडी स्ट्रॉ, ये हमारा इसका कंपोनेंट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 41, द कैपेसिटी ऑफ फेरो सीमेंट बीन इज, फेरो सीमेंट बीन की कैपेसिटी कितनी होती है, 0.6 to 3 मेट्रिक टन, 0.5 to 1 मेट्रिक टन, 3 to 5 मेट्रिक टन या 5 to 8 मेट्रिक टन, ठीक है। तो जो फेरो सीमेंट बीन होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है 0.6 से 3 मेट्रिक टन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, सीड स्टोरेज बीन्स आर क्वाइट पॉपुलर इन, मीन्स जो सीड स्टोरेज बीन्स होती हैं वो कौन से एरियाज में पॉपुलर होती हैं, ज़्यादा वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, अर्बन एरियाज, ठीक है, जो शहरी एरियाज होते हैं, या रूरल एरियाज, या FCI या SSC, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, जो सीड स्टोरेज बीन होते हैं वो हमारे रूरल एरियाज में, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, कैपेसिटी ऑफ पैडी स्ट्रॉ मड स्ट्रक्चर इज, जो पैडी मड स्ट्रॉ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जनरली आपको ये रूरल एरियाज में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा क्या वहीं पर देखने को मिलता ही है। देन
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 200 kg, 200 kg, 350 kg या 400 kg। तो जिसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 400 up to 400 kg। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 44, पैडी स्ट्रॉ मड स्ट्रक्चर आर जनरली यूज्ड फॉर, जो पैडी स्ट्रॉ मड स्ट्रक्चर होते हैं जनरली हम लोग कौन से क्रॉप के लिए उसको यूज़ करते हैं, पल्स के लिए, दाल के लिए, पैडी धान के लिए, ऑयल सीड के लिए या ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो जनरली जो पैडी स्ट्रॉ मड स्ट्रक्चर होते हैं वो जनरली लोग पैडी धान के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, पक्का बिन इज आ, जो पक्का बिन होता है वो कैसा, इंडोर स्टोरेज है, आउटडोर स्टोरेज है, या इंडोर और आउटडोर दोनों है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो पक्का बिन है वो हमारा क्या है, इंडोर स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी क्या क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पक्का बिन इज, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है पक्का बिन की वो कितनी होती है, 1 मेट्रिक टन, 1.5, 2 मेट्रिक या 3 मेट्रिक टन। ठीक है, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है पक्का बिन की, ये इनसाइड पहली बार तो स्टोरेज करता है, और दूसरी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 मेट्रिक टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टोरेज स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रेड प्रूफ मेटल बेस, कौन सा स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि रेड प्रूफ मेटल बेस को कंसिस्ट करता है, पैडी स्ट्रॉस मड स्ट्रक्चर, फेरो सीमेंट बिन, कंपोजिट बिन या घरेलू ठेका। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, घरेलू ठेका। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिन इज नॉट अ इनडोर बिन, इनमें से कौन है जो कि इनडोर बिन का एग्जाम्पल नहीं है, घरेलू ठेका, डोमेस्टिक मेटल बिन, सीड स्टोरेज बिन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनडोर बिन, पूछा है कौन सा नहीं है इनडोर, सो सीड स्टोरेज बिन। ठीक है, ये हमारा इनडोर नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिन इज नॉट अ आउटडोर बिन, इनमें से कौन है जो कि एक आउटडोर बिन नहीं है, रिनफोर्स सीमेंट रिंग बिन, पूसा बिन, कंपोजिट बिन या बल्क स्टोरेज इंस्टॉलेशन। ठीक है, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्स सीमेंट रिंग बिन इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर बिन, वेरस पूसा बिन, कंपोजिट बिन, बल्क स्टोरेज बिन आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर बिन। देन क्वेश्चन नंबर 50, इन केस ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ कर्नल्स फॉर्म्स अलम, ठीक है, किसके इन्फेस्टेशन में, कौन से इंसेक्ट या पेस्ट के इन्फेस्टेशन में जो कर्नल्स होते हैं वो एक लंप, एक गांठ जैसा बना लेते हैं। ठीक है, सॉ टूथ ग्रेन बीटल, रेड हेड फ्लो ग्रेन बीटल या बोथ ए एंड बी या राइस मोथ। ठीक है, तो कर्नल जो हमारे लंप किस में फॉर्म करते हैं, किसके इन्फेस्टेशन में, तो राइस मोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।